नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील विष्णु जी के पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अपने ऑनलाइन क्लासेस में अपन पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में कांग्रेस तक अपन पढ़ चुके हैं, उसके बाद में राष्ट्रीय जो आंदोलन थे उसके उदय के क्या कारण थे, उन कारणों के बारे में पढ़ा था। आज अपन जो दोस्तों अध्ययन करेंगे वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों की यहाँ से शुरुआत हो जाती है। तीन इसके चरण होते हैं। जो पहला चरण है उसको बोलते हैं उदारवादी युग, या दूसरा कह सकते हैं नरम दल, जिसका समय रहता है 1885 से 1905। इसके बाद में दूसरा अपन दल पढ़ेंगे उग्रवादी दल, इसी का दूसरा नाम है गरम दल, 1905 से 1919। उसके बाद में तीसरा जो युग पढ़ेंगे गांधी युग, 1919 से 1947। तो आज अपन इनकी राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत करते हैं। तो पहला सबसे महत्वपूर्ण जो युग था उसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। जो पहला जो दल है नरम दल, वो नरम दल का दूसरा नाम पढ़ते हैं दोस्तों उदारवादी दल। तो आज टॉपिक लेते हैं उदारवादी दल ऑब्लिक नरम दल। उदारवादी दल ऑब्लिक नरम दल पूछ ले, इसका समय पीरियड 1885 से 1905। 1885 से 1905 क्या कारण रहे थे इसके उदय के? तो उदय के कारण पढ़ते हैं। इस दल का उदय क्यों हुआ? उदय के कारण पहला देखें दोस्तों, तो 1877 के अकाल के समय अंग्रेजी सरकार की निष्क्रियता। दूसरा अपन पढ़े वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878। तीसरा शस्त्र अधिनियम 1878, इल्बर्ट बिल विवाद, इल्बर्ट बिल विवाद और अखिल भारतीय सेवाओं की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर देना आदि। ये थे इसकी उत्पत्ति या उदय के प्रमुख कारण। अकाल पड़ा था, अंग्रेजों ने ध्यान नहीं दिया, अपन पढ़ चुके 1877 में। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, भारतीय समाचार पत्रों पर पाबंदी लगाने की शुरुआत कर दी। शस्त्र अधिनियम 1878, भारतीय लोग यदि हथियार रखते हैं तो उससे पहले उनको लाइसेंस लेना होगा। इल्बर्ट बिल विवाद, भारतीय जजों को सुनवाई का अधिकार दिया लेकिन अंग्रेजों ने विरोध किया तो इसको वापस ले लिया गया। और अखिल भारतीय सेवाओं की जो न्यूनतम आयु थी वो 21 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष कर दी थी? 19, ताकि भारतीय लोग ज्यादा इससे क्या हो सके, वंचित हो सके। तो ये आदि ऐसे प्रमुख कारण थे जिन्होंने एक नए दल की स्थापना कर दी, और उसको अपन पढ़ते हैं उदारवादी दल, या दूसरा नाम लेते हैं इसका नरम दल। समय 1885 से 1905। आगे चलते हैं दोस्तों, पूछ ले कि इनके नेता कौन कौन थे। प्रमुख उदारवादी नेता, उदारवादी नेता में देखते हैं दोस्तों, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह
मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी, रास बिहारी घोष आदि, ये थे इन दल के प्रमुख प्रमुख नेता। दादाभाई नौरोजी जिन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था 1901 में, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी और रास बिहारी घोष, ये थे इस दल के प्रमुख प्रमुख नेता। इनके बारे में अध्ययन करेंगे, इन नेताओं ने क्या क्या कार्य किया था, पूछ ले इनके प्रमुख साधन। इन उदारवादी दल के जो नेता थे, इनके अंग्रेजों से मांगे मनवाने के प्रमुख साधन क्या क्या थे, प्रमुख साधन में देखें दोस्तों, ज्ञापन, मांग पत्र, शपथ पत्र, अंग्रेजों से विनम्रता पूर्वक आग्रह करना आदि, ये इनके थे प्रमुख साधन। ज्ञापन, मांग पत्र, शपथ पत्र, अंग्रेजों से विनम्रता पूर्वक आग्रह करना आदि, ये इन उदारवादियों के प्रमुख प्रमुख इनको उन्होंने अपना साधन बना रखा था। क्या क्या मांगे थी, तो अपने पहले पढ़ा उदारवादी नेता, उसके बाद पढ़े प्रमुख साधन। अब लेते हैं दोस्तों इनकी प्रमुख मांग। देखो दोस्तों आगे चलते हैं अपन, पूछ ले उदारवादियों की प्रमुख मांग। तो भारत में संवैधानिक सुधारों की मांग, भारत में संवैधानिक सुधारों की मांग, इन्होंने भारत में संवैधानिक सुधार की मांग की थी। इन्होंने कभी नहीं कहा था कि हमारे को स्वराज की मांग इन्होंने की नहीं थी। स्वराज शब्द दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने, लेकिन पूछ ले स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाला पहले व्यक्ति बाल गंगाधर तिलक 1895 में, और ये भारत में संविधान की प्रथम मांग कही जाती है। तो इन्होंने कहा था कि भारत में केवल क्या हो, संवैधानिक सुधारों की मांग। इसके अतिरिक्त और क्या मांगे थी, अन्य मांगे। पहला पॉइंट, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की संख्या में वृद्धि की जाए। पहले का वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसमें भारतीयों की संख्या में वृद्धि की जाए। दूसरी मांग, सैन्य खर्चों में कटौती की जाए। शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाए। भारतीयों के हितों की रक्षा की जाए आदि,
ये थी इनकी प्रमुख मांग। प्रमुख मांग तो थी ये चाहते थे कि भारत में संवैधानिक सुधार हो। इनके अतिरिक्त इनका मांग थी कि वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद है उसमें भारतीयों की संख्या में वृद्धि की जाए, शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ाया जाए, भारतीयों के हितों की रक्षा की जाए और जो सरकारी खर्चे हैं या जो सैन्य खर्चे उनमें कटौती की जाए। तो ये थी इनकी अन्य मांगे। पूछ ले उदारवादियों का योगदान क्या था, क्योंकि इनके साधन पर्याप्त नहीं थे। ज्ञापन, मांग पत्र, शपथ पत्र और अंग्रेजों से विनम्रतापूर्वक आग्रह करना। आप यदि किसी के सामने हाथ जोड़ के खड़े रहें, और अंग्रेजों की आदत थी नहीं कि वो अपने विनम्रतापूर्वक आग्रह करें वो भारतीयों को कुछ दे दे, तो इनके साधन थे वो कुछ हद तक कहे जा सकते हैं कि ये पर्याप्त थे, इसलिए इनको ज़्यादा कोई सफलता मिली नहीं। लेकिन एक नए दल की उत्पत्ति हुई है, नया प्रयास हुआ है, तो कुछ है ना कुछ भारतीयों को फायदा जरूर हुआ था। तो क्या क्या इन उदारवादियों का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान रहा होगा, तो अब पढ़ते हैं दोस्तों उदारवादियों का योगदान। उदारवादियों का योगदान, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं दोस्तों उदारवादियों का योगदान। पहला पॉइंट, अभी तक क्या है, कोई भी भारतीय लोग अंग्रेजों से प्रश्न नहीं पूछ सकता था। जब उदारवादियों ने प्रयास किया तो पहली सफलता यह मिली कि भारतीयों को एक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। प्रतिदिन आप अंग्रेजों से एक प्रश्न पूछ सकते हो। तो पहला पॉइंट, भारतीयों को अंग्रेजों से एक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। एक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। दूसरा पॉइंट, भारतीयों ने कहा था कि सरकारी खर्चों में, सैन्य खर्चों में कटौती की जाए, तो अंग्रेजों ने कहा हम ऐसे कटौती कर नहीं सकते, आयोग गठन करेंगे, वो यदि रिपोर्ट देखा तो हम इसमें कटौती करेंगे। तो सैन्य खर्चों में कटौती हेतु एक वेल्वी आयोग का गठन किया गया। अंग्रेजों ने सैन्य खर्चों में कटौती की समीक्षा हेतु वेल्वी आयोग का गठन किया। तीसरा पॉइंट, लोक सेवा आयोग की पुनः बहाली की गई। पूछ ले लोक सेवा आयोग को बहाल कब, 1886 में, सन 1886 में लोक सेवा आयोग को बहाल किया गया। चौथा, भारत शासन अधिनियम 1892 का निर्माण किया गया, तो भारतीयों के लिए कुछ एक अच्छी बातें लाने के लिए प्रावधान किए गए। भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1892 का निर्माण किया गया आदि। यह था दोस्तों उदारवादियों का प्रमुख योगदान। लेकिन इस योगदान के बावजूद भी भारतीयों को वो नहीं मिल रहा था जो अंग्रेजों से ये चाह रहे थे। अंग्रेजों ने ज्यादा कुछ भारतीयों को दिया नहीं था। इस कारण तीन भारत के महत्वपूर्ण व्यक्ति, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल, इन लोगों ने इनसे क्या संतुष्टि नहीं मिली, तो एक अलग इस दल की स्थापना कर दी और इस दल को अपन बोलते हैं उग्रवादी दल। तो उग्रवादी, इसके बाद में जो नया युग पढ़ेंगे अपन दोस्तों, वो पढ़ेंगे उग्रवादी दल के बारे में, क्या कारण रहे कि उग्रवादी दल की स्थापना हुई, उग्रवादी दल के प्रमुख नेता कौन कौन थे, उग्रवादियों के प्रमुख साधन क्या थे और उग्रवादियों की प्रमुख मांग क्या थी, इसके बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जरूर देखें, बने रहें मेरे साथ। धन्यवाद।